केंद्र सरकार ने लोहे और स्टील के कच्चे माल और बिचौलियों पर उनकी कीमतें कम करने के लिए सीमा शुल्क को भी कम किया है। साथ ही स्टील के कुछ कच्चे माल पर आयात शुल्क को कम किया जाएगा, जिसका फायदा आम आदमी को सीधे तौर पर मिलने वाला है। दरअसल दोनों सामग्री के दाम ऊंचाई पर पहुंचने के कारण लोगों ने निर्माण कार्य से तौबा कर लिया था। लोगों ने अपने घर के निर्माण कार्य आगे बढ़ा दिए थे या फिर रोक दिए थे। सरकारी निर्माण कार्यों का भी ये हाल था। रेट अधिक होने के कारण ठेकेदारों ने काम बंद कर दिया, जिसके कारण डिमांड में भारी कमी आ गई। बता दें कि मार्च अप्रैल में डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से उत्पादन लागत और परिवहन खर्च बढ़ने से सीमेंट और सरिया की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी। सीमेंट और सरिया कंपनियां उत्पादन लागत में बढ़ोतरी का हवाला देकर लगातार कीमतें बढ़ा रही थी। तो वहीं पिछले दिनों केंद्र सरकार ने टैक्स कम करते हुए डीजल की कीमत में एक बार में लगभग 10 रुपए की कमी कर दी थी। इसका असर अब बाजार में दिखने लगा है। जानकारों की माने तो बारिश में निर्माण कार्यों में कमी के कारण आने वाले दिनों में कीमतों में और भी कमी हो सकती है।